वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम ही शी दे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ही जो है वह हिंदी में वह के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, ये लड़का। और जो शी है वह, इंग्लिश में लड़कियों के लिए शी और बॉयज के लिए ही, ठीक है, यूज होता है। और दे मीन्स वह, ठीक है। वह का मतलब होता है, वह कब प्रयोग होगा, जब एक से अधिक लोग हों, ठीक है, जब एक से अधिक लोग होते हैं तब वह, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, ठीक है। ये क्या है बॉय, तो इसके लिए क्या लगेगा, ही, ठीक है। और ये गर्ल है तो इसके लिए यूज होगा ही, ठीक है, ठीक है, शी। अब यहाँ ढेर सारे, ठीक है, अब यहाँ ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, एक से अधिक है तो यहाँ पर होगा यूज दे। क्लियर। अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके पहले हम यूज ऑफ ही का बनाते हैं, यूज ऑफ ही का। यूज ऑफ ही, ठीक है। तो ही में क्या, बॉयज के लिए, ठीक है। ही इज सचिन, ठीक है, या साहिल लिखते हैं, साहिल, ठीक है, साहिल। शी इज साहिल। अब साहिल क्या है, एक लड़का है तो उसके लिए ही, ठीक है। ही इज ए बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है। ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है। अब ये इससे बस साहिल क्या है, बॉय है वो, क्या, ठीक है, साहिल एक बॉय है तो उसके लिए ही का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यूज़ ऑफ सी, ठीक है, इस पर आप सेंटेंस बनाएंगे सेम। अब यहाँ गर्ल्स की बात कर रही है, ठीक है, तो शी इज, शी इज रामा, शी इज रामा, ठीक है, शी इज रामा, शी इज ए गर्ल, ठीक है। जो रामा क्या है, वो गर्ल है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही, सॉरी शी, सॉरी, ठीक है। गर्ल्स के लिए हमेशा शी यूज होता है, शी इज
ए स्टूडेंट। अब जब ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो हमें क्या पता चला, जो स्टूडेंट है वो गर्ल है, ठीक है, ये जब शी इज अ स्टूडेंट, तो हम ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो गर्ल है या बॉय, ठीक है, गर्ल है या बॉय, उसका हम कैसे पता करेंगे, इससे, शी है तो गर्ल, ही हुआ तो बॉय, ठीक है। आज अब हम यूज ऑफ दे पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे। यूज ऑफ दे, ओके, दे आर स्टूड, दे आर साहिल एंड रामा। अब ये दोनों है, ठीक है, ना यहाँ गर्ल देखा जा रहा है, यहाँ ना बॉय देखा जा रहा है, यहाँ केवल ढेर सारे जब लोग होते हैं तो दे लगाते हैं, तो यहाँ दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ साहिल और रामा दो है ना, एक नहीं है, ही और शी एक सिंगुलर होता है और दे होता है प्लूरल, ठीक है। दे आर ए बॉय, ठीक है, बॉय एंड गर्ल, ठीक है, जो ये क्या है, बॉय है और गर्ल है। दे आर बॉय एंड गर्ल, ठीक है। दे आर, अब एक और सेंटेंस में, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी जेंडर को नहीं देखा जाता, ठीक है, दे लगाते समय, जब दे दोनों होते हैं, जहाँ बॉयज गर्ल्स और या ढेर सारे बॉयज या ढेर सारे गर्ल्स एक साथ होती हैं, ठीक है, तब वहाँ दे लगाएंगे, ओके। अब हम कुछ कॉन्वर्स, ठीक है, इसको दोबारा समझें। यूज ऑफ ही शी और दे, ही इज शाहिल, शी ही इज अ बॉय, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं ये हटा दूँ इतना, अब मैं बोलूँ कि ये क्या गर्ल है या बॉय, इस सेंटेंस से मुझे क्या पता चल रहा है, तो जहाँ ही होगा वहाँ हमेशा बॉय, ठीक है, बॉय के लिए यूज होता है। शी इज अ रमा, शी इज अ गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट। अब मैं यहाँ हटा देती हूँ तो इससे पता चल रहा है कि शी है तो ये गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब दे आर साहिल एंड रमा, अब यहाँ तो हमें नहीं पता चल रहा कि गर्ल है, यहाँ दोनों पता चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ किसी भी जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। दे आर बॉय एंड गर्ल, दे आर ब्रदर एंड